इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे दुखद जानकारी। और मेरी सहयोगी सोनल इस वक्त जुड़ रही है ब्रीच कैंडी अस्पताल से। सोनल, ये सबसे दुखद समाचार पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, स्वर को खिला, भारत रत्न लता जी हमारे बीच नहीं रही। बिल्कुल, ये बहुत ही दुखद समाचार है। यही वजह है कि पूरे देश में शोक का माहौल बन गया है। नितिन गडकरी जी भी कुछ समय पहले ही ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे हैं। भारत रत्न, पद्म भूषण जैसे सर्वोच्च सम्मानों से सम्मानित लता मंगेशकर, स्वर कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, अब हमारे बीच नहीं रही है। हालांकि पिछले काफी समय से वो बीमार चल रही थी, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में कल रात जब भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा था, अपनी तरफ से जो डॉक्टर्स की टीम है उन्होंने अच्छा किया, लेकिन चूंकि जो नियति है उसको जो मंजूर है वही होता है। शोक की लहर है, देश भर में शोक का माहौल बना हुआ है। उनके गाने, उनकी बातें, उनकी जो प्रेजेंस थी इंडियन सिनेमा में, वो अपने आप में वो महान शख्सियत थी, अब वो हमारे बीच नहीं रही है। शोक का माहौल है। जी बिल्कुल, हर कोई शोक जदा है सोनल, हर कोई गम जदा है। भारत रत्न स्वर कोकिला के जाने से लगातार उनकी तबीयत पे गिरावट दर्ज हो रही थी। उनका इलाज मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भी थे, काफी दिन से जारी था। 8 जनवरी वो तारीख थी जब अस्पताल में खराब तबीयत के चलते उनको भर्ती किया गया। उनका कहना था कि वो जो पूरा प्रोसीजर है, मेडिकल प्रोसीजर को लेकर रिस्पॉन्ड कर रही हैं। उनकी बहन का सामने आना, कहना कि तबीयत पे सुधार है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे दुखद समाचार है, स्वर कोकिला भारत रत्न का हमको छोड़कर जाना, लता मंगेशकर जी के निधन की जानकारी इस वक्त आ रही है। ये एक बहुत बड़ा झटका है हम सबके लिए, उनके चाहने वालों के लिए, पूरे देश के लिए। भारत रत्न को खोना अपने आप में सबसे बड़ा जो है एक झटका हम कह सकते हैं। बीते कई दिन से वेंटिलेटर पर थी लता जी, मुंबई की ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज उनका हो रहा था। डॉक्टर्स की टीम लगातार उनके हालात पर नजर बनाई हुई थी और कोरोना संक्रमण उनको हुआ था, उसके बाद से अस्पताल में उनका लगातार इलाज जारी था। और इस वक्त की सबसे दुखद समाचार आ रहा है, सबसे दुखद जानकारी कि अब से कुछ वक्त पहले लता जी ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली है। 92 साल की उम्र में उनके निधन की जानकारी, भारत रत्न को खोने की जानकारी, स्वर कोकिला ने अंतिम सांस सबसे कुछ देर पहले ली है। ब्रीच कैंडी अस्पताल में जो इलाज करवा रही थी, लगातार उनकी सेहत में गिरावट दर्ज हो रही थी। डॉक्टर्स लगातार सामने आए, कल भी डॉक्टर्स सामने आए थे, साफ तौर पर कह रहे थे कि अग्रेसिव जो है मेडिकेशन उनकी जारी है, लेकिन इस पूरे प्रोसीजर पर वो रिस्पॉन्ड कर रही है, इस प्रोसीजर को टॉलरेट कर पा रही है। डॉक्टर्स जो उनको मॉनिटर कर रहे थे, उनका इलाज कर रहे थे, उनका कहना था। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो कि पहुंचे, उनको अस्पताल अब से कुछ वक्त पहले पहुंचे और उनके निधन को लेकर जानकारी इस वक्त आ रही है। लगातार तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला ब्रीच कैंडी अस्पताल में जारी रहा था। उनकी तबियत में गिरावट की जो खबर एकाएक फिर से कल सामने आती है, और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अब से कुछ वक्त पहले 92 साल की उम्र में लता दी ने अंतिम सांस ली है। हमारे बीच सुरों की सम्राज्ञी स्वर कोकिला लता दी अब नहीं रही हैं। ये पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए सबसे दुखद जानकारी है। पूरा देश शोकजदा है। कोरोना संक्रमण से ग्रसित हुई थी वो, उसके बाद से उनकी तबियत में गिरावट दर्ज हो रही थी, उनका अस्पताल में इलाज लगातार जारी था, लेकिन आज अब से कुछ वक्त पहले खबर आती है कि 92 साल की उम्र में भारत रत्न ने अंतिम सांस ली है। भारत रत्न लता मंगेशकर जी हमारे बीच अब नहीं रही हैं, नहीं रही लता मंगेशकर जी। 8 जनवरी से अस्पताल में भर्ती थी, इलाज उनका जारी था, कोविड उनको हुआ था, उसके बाद से उनकी तबीयत में उतार चढ़ाव लगातार बना था। डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी सेहत को लेकर हर अपडेट साझा करती थी, लेकिन सबसे दुखद समाचार इस वक्त का, लता मंगेशकर जी के निधन की खबर इस वक्त आ रही है। हमारे बीच सुरों की सम्राज्ञी स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी अब नहीं रही हैं। 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में। इस बीच तमाम लोगों का उनको अंतिम मर्तबा देखने आने के लिए भी और उनके हालचाल को जानने के लिए लगातार अस्पताल में लोगों का आना जाना लगा रहा था। नितिन गडकरी जी भी आए, उससे पहले हमने देखा था कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे थे कल शाम। लगातार लोग पहुंच रहे थे उनकी सेहत का हालचाल लेने के लिए। पूरे देश में दुआओं का